माई चैनल. आज है संडे और मॉर्निंग के 11 बजे है. मेरे बहन के घर नौचंडी हवन है तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं पाद्रा. हाय के हाय. हाय वेलकम बैक टू माई चैनल. के हाय हाय बाय बाय बाय. हाय के और हाय. फिलहाल तो मुझे जोर से बहुत भूख लगी है. देखते हैं रास्ते में खाने के लिए क्या लेते हैं. पार्थ क्या दिलाते हैं मुझे. मुझे खानी है कचौरी और पार्थ को खानी है दाबेली. तो देखते हैं किसकी जीत होती है, दाबेली या कचौरी. समोसा जीता ना कचौरी. बीच रास्ते में मिला है पॉप, लाइव पॉप. तो हम लोग खाएंगे गार्लिक लाइव पॉप.
सब लोग यहाँ पे आए हैं और अपू दी का मैरिज एल्बम देख रहे हैं। उस वक्त मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में थी और बहुत पुरानी चीज़ें सारी यादें ताज़ा हो गई।
Thank you.
बजे हैं और हम सब आ गए घर पे। नवचंडी यज्ञ की पूर्णाहुति बहुत अच्छी तरह से हो गई। ये नवचंडी यज्ञ करने से हमेशा जगदम्बा माँ का आशीर्वाद हम पे बनाए रहता है और हमेशा हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनाई रहती है। बहुत दिनों के बाद मैं सबसे मिली तो बहुत अच्छा लगा और मेरा बचपन भी याद आ गया मुझे, क्योंकि पहले मेरे मामा का घर पादरा में था, वो भी बड़ा में सेट हो गया। तो पहले क्या था कि जब हम छोटे थे ना, तो वैकेशन जैसे ही वैकेशन आता था तो हम सब चले जाते थे मामा के घर पे। और मैं जब छोटी थी तो बहुत शैतान थी मैं, और सबसे मैं वहाँ पे सबसे मिली और जहाँ भी जा सबसे मिलती थी तो वो सब लोग मेरे बारे में ही बात करते कि जब तू छोटी थी ना तो ये करती थी वो करती थी। तो बहुत सारी बचपन की यादें थी, वो भी ताज़ा हो गई। और क्योंकि मेरा बचपन मोस्टली पादरा में मेरे मामा के घर पे ही मेरा वैकेशन जाता था और मैं मोस्टली वहीं पे ही रहते थे हम। सबकी बातें सुन के अभी पार्थ भी मुझे बोलता है कि द्विज तेरे पे ही गया है, जो द्विज अभी जो शैतानियाँ कर रहा है ना वो तेरी तरह ही कर रहा है, वो तेरे जैसा ही है वो। क्योंकि अब तक किसी को मालूम नहीं था कि मैं बचपन में बहुत शैतान थी। सब लोग मुझसे डरते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।